किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ एक्सचेंज किए हुए ट्रैक्टर बिकाऊ पड़े हैं, जिसके अंदर मैसी का 5245 है, मैसी 245 है, महिंद्रा 415 है और स्वराज का 841 XM मॉडल भी है, और मैसी 241 DI, न्यू हॉलैंड 3230, महिंद्रा 265 DI और स्वराज का 843 भी पड़ा है इसके अंदर, और दो स्कॉर्पियो ओल्ड मॉडल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5245, तो भाइयों यहां पर आप देख सकते हैं मैसी 5245 किस कंडीशन के साथ में ट्रैक्टर खड़ा है, और इसके टायर जो है वो नए डलवाए हुए, नए टायर लग रहे हैं इसके अंदर, 14928 के टायर के साथ में टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं, और 4927 घंटे चला हुआ दिखा रहा है। तो भाई अभी मैं स्टार्ट करके इसकी आवाज आपको सुनाता हूँ, कैसा फायरिंग वगैरह है। तो भाइयों ये था इसका आवाज, और इस ट्रैक्टर की अगर हम बात करें, मैसी 5245 2011 मॉडल है, और इस ट्रैक्टर की प्राइस यहां पर 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि थोड़ी बहुत गुंजाइश की आशा आप रख सकते हैं। तो भाइयों अब बात करते हैं मैसी फर्गुसन 245 DI की। ये ट्रैक्टर जो आप देख रहे हैं ये कंपनी कट के साथ में है, मतलब कि इसके टायर वगैरह जो है वो कंपनी ने दिए थे वही टायर है, और ये ट्रैक्टर चला हुआ है 3281 घंटों के साथ में, इसमें कहीं पर भी लीक लाग वगैरह नहीं दिखाई दे रहा। इस ट्रैक्टर को एक्सचेंज करके महिंद्रा का कम HP वाला ट्रैक्टर लिया है, थोड़ा छोटा इससे। तो चलो इसको भी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो भाइयों मैसी 245 2017 मॉडल है, फर्स्ट ऑनर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, और ये ट्रैक्टर यहाँ पर 4.5 लाख रुपए प्राइस बताई जा रही है, लेकिन इसके अंदर भी आप थोड़ी बहुत गुंजाइश की आशा रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको महिंद्रा भूमिपुत्र 415 DI। तो भाइयों ये है महिंद्रा का 415 DI, और इस ट्रैक्टर की कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ से अभी मैं स्टार्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। ये रहे इसकी टायर की कंडीशन, टायर कुछ इस तरीके के बचे हैं इसके अंदर, और भाइयों जितने भी ट्रैक्टर हैं ये सफाई वगैरह करके, साफ सफाई करके यहाँ पर नहीं रखे गए, जैसे ही ये डस्ट में ऐसे ही खड़े हैं ये ट्रैक्टर, 4072 घंटे ये ट्रैक्टर चला हुआ है। तो चलो इसको भी मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो भाइयों ये था इस ट्रैक्टर का आवाज, और इस ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो 2016 मॉडल महिंद्रा भूमिपुत्र 415 DI 2016 मॉडल, फर्स्ट ऑनर ट्रैक्टर है, और इस ट्रैक्टर की प्राइस 3,25,000 रुपए बताई जा रही है, और इसमें भी आपको थोड़ी बहुत गुंजाइश की आशा मिल रही है। जो भी प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए अब मैं स्वराज आपको दिखाता हूँ, स्वराज 841 XM मॉडल। भाइयों ये ट्रैक्टर स्वराज की तरह दिखता है, लेकिन इसके अंदर इंजन वगैरह जो है महिंद्रा का आता है, तो सेम महिंद्रा का आवाज़ वगैरह होता है इस ट्रैक्टर के अंदर। स्वराज 841 XM सेंस लिफ्ट, और ये चला हुआ है 4566 घंटे, 4566 घंटे ये ट्रैक्टर चला हुआ है, और इसके अंदर थोड़ी बैटरी वगैरह डाउन है तो वो स्टार्ट नहीं हो रहा, नहीं तो मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता। ये ट्रैक्टर 2014 मॉडल है, स्वराज 841 XM सेंस लिफ्ट, और इसकी प्राइस यहाँ पर 2,85,000 रुपये बताई जा रही है। अब ये है मैसी का 241 महाशक्ति ट्रैक्टर है, और इस ट्रैक्टर के टायर की कंडीशन आप यहाँ से देख सकते हैं, टायर की कंडीशन कैसी है, और इस ट्रैक्टर के अंदर भी बैटरी थोड़ी डाउन है तो इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रैक्टर स्टार्ट वगैरह नहीं होते ना, तो इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो कि लास्ट में बताऊँगा। तो ये है मैसी 241 DI 2011 मॉडल, और 3 लाख रुपये यहाँ पर इसकी प्राइस बताई जा रही है। न्यू हॉलैंड 3230 NX मॉडल, और ये ट्रैक्टर है 2016 मॉडल, लेकिन इसकी जो बुक है RC वो है 2017 की, 2017 में ये पासिंग हुआ था, लेकिन जो इसके ऊपर मार्क लगा हुआ है वो 2016 का है, 2016 न्यू हॉलैंड 3230 NX मॉडल, और ये ट्रैक्टर चला हुआ है 4904 घंटे, मतलब कि 5000 घंटे के आसपास में ये ट्रैक्टर चला है, 2016 मॉडल है और 17 की बुक है इस ट्रैक्टर की, और इस ट्रैक्टर की प्राइस यहाँ पर बताई जा रही है 3,75,000 रुपये, न्यू हॉलैंड 3230 NX मॉडल।
महिंद्रा 265 भूमिपुत्र ट्रैक्टर और ये 2011 मॉडल है और इस ट्रैक्टर की प्राइस 2,25,000 रुपये यहाँ पर बताई जा रही है। टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन के साथ में टायर है इसके। ये है स्वराज 843 XM मॉडल 2010 और इसकी प्राइस यहाँ पर 2,00,000 रुपये बताई जा रही है। जितने भी ट्रैक्टरों की प्राइस बताई उनके अंदर प्राइस के लिए आपका मान सम्मान रखा जाएगा। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाइयों, यहाँ से ज्यादातर ट्रैक्टर कौन लेके जाता है, ऐसी जगहों से ट्रैक्टर कौन लेके जाता है, ऐसे शोरूम वगैरह होते हैं जिनके अंदर एक्सचेंज ट्रैक्टर होते हैं, वो सारे ट्रैक्टर कौन लेके जाता है? तो ये सारे ट्रैक्टर जो है वो ऑटो कंसल्ट वाले जितने भी दलाल होते हैं वो लेकर के जाते हैं और इनके ऊपर थोड़ी बहुत जो भी थोड़ा बहुत खर्चा है वो करके, इनके ऊपर मरम्मत करके, थोड़ी पॉलिश वगैरह करके फिर ये ऑटो कंसल्ट की जगह पर खड़े रखते हैं। फिर बड़े आराम से वहाँ पर ये सारे ट्रैक्टर बिकते हैं क्योंकि वहाँ पर चमचमाते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर जैसी कंडीशन में पड़े हैं वैसे ही पड़े हैं। और हमारी सोच के अंदर ये फर्क होता है कि भाई ट्रैक्टर एक्सचेंज कौन करवाता है, खराब ट्रैक्टर ही एक्सचेंज होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। कई बार अच्छे ट्रैक्टर भी मिल जाते हैं आपको ऐसे शोरूमों के अंदर, क्योंकि कई बार किसान छोटे से बड़ा भी करवाता है, बड़े से छोटा भी करवाता है, तो ऐसे ट्रैक्टर अच्छे भी आपको मिल जाते हैं ऐसी जगहों पर। तो अगर आपको पुराना ट्रैक्टर खरीदना है तो आपके जितने भी आसपास के शोरूम होते हैं उनके अंदर एक बार चक्कर लगाना, कहीं अच्छा ट्रैक्टर आपको मिल सकता है। तो भाइयों अब बात रही एड्रेस की, तो भाइयों जितने भी मैंने ट्रैक्टर दिखाए ये सारे पड़े हैं गुजरात पालनपुर जिले के अंदर धानेरा, जो कि डीसा धानेरा रोड पर महिंद्रा का शोरूम है, इसके अंदर ये सारे ट्रैक्टर पड़े हैं धानेरा के अंदर। कई भाइयों की कमेंट भी थी कि भाई एक बार धानेरा के अंदर कौन से ट्रैक्टर पड़े हैं वो भी दिखाना, तो यहाँ पर इतने ट्रैक्टर पड़े हैं। जिन भाइयों को लेने हैं वो यहाँ पर आकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो भाई नज़दीक के हैं वो, जो भाई दूर से हैं वो फालतू में परेशान ना हो, क्योंकि मैं अलग अलग जगह का स्टॉक दिखाता हूँ तो आपके नज़दीकी स्टॉक भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और बात रही नंबर की, तो भाई नंबर में एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, कई बार नंबर दिया लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है नंबर के अंदर। एक तो ये फोन पे गूगल पे जो जितने भी फ्रॉड लोग हैं वो परेशान करते हैं लोगों को, और दूसरी बात ये है कि कई सारे भाई फालतू में परेशान करते हैं, तो आप सभी समझ सकते हैं कि इस वजह से नंबर नहीं दे पाता हूँ कई जगहों का, कई जगहों का नंबर भी देता हूँ मैं, तो जो भाई यहाँ के नज़दीक के हैं वो संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे कोई ट्रैक्टर बिक जाता है तो वो मैं कमेंट के अंदर बता दूंगा आपको कि ये वाला ट्रैक्टर बिक चुका है, इसके लिए आप ना एक बार कमेंट बॉक्स चेक करके फिर यहाँ तक आए। अब ये दो स्कॉर्पियो पड़ी है ओल्ड मॉडल, जिसके अंदर ये वाला 2013 का मॉडल है, ये वाली गाड़ी जो है वो 2013 मॉडल है, स्कॉर्पियो का ओल्ड मॉडल है, और ये है 2012 मॉडल। तो दोनों गाड़ियां जो है वो 4,00,000 के अंदर देने की है, अगर किसी को चाहिए तो वो यहां पर आकर के दोनों गाड़ी चेक कर सकता है। तो भाइयों इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद, जय जवान जय किसान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जय हिंद जय भारत।